मैंने सोचा ऐसे आपसे मिलाने ले आऊं, इसका दिल भी बहल जाए और आपको भी तसल्ली हो जाए। मैं खुश हूं नानू। मैंने कब कहा कि आप खुश नहीं हो? आपकी तबीयत कैसी है आंटी? अल्लाह की रजा के आगे सर झुका दिया है, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हम का मुकाबला सिर्फ हिम्मत और हौसले से किया जा सकता है। सब लोग तसल्ली देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तसल्ली का कोई लफ्ज दिल पर असर ही नहीं करता। स्कूल में भी समैनी आपा को बहुत याद करते हैं। आप दोनों ऐसे करो, जाके खेलो। ओके पापा, चलो अगले मामा के पास चलते हैं। ठीक है। शाबेज, आरिया को लाते रहा करो, उसे देखकर चैन आ जाता है। आरिया पे पूरा हक है आपका आंटी, जिंदगी तो एकदम बदल गई है। अपना घर घर नहीं लगता, खुरदलैंड की यादों का मस्कन लगता है। और यही मेरी कुल कायनात है, मेरी जिंदगी का महवर है, उसी की खातिर जी रहा हूं। बना मेरा दिल तो गुरुद्रेन के साथ ही मर गया था। ऐसी मोहब्बत पर तो लोग रश करते हैं। काश ऐसा ना हुआ होता। काश। गुरुद्रेन, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी हम सफर, मेरी गम गुसार, सब कुछ थी मेरा। तन्हा हो गया उसके बगैर बस। हमें तुम्हारे दुख का एहसास है बेटा, कर हम भी मजबूर हैं। तकदीर के आगे इंसान का बस नहीं चलता। आंटी, मैं चाहता हूं आर्या आप सब लोगों के करीब रहे, इसे आपसे मोहब्बत मिलती रहेगी तो शायद इसे अपनी माँ की मोहब्बत की कमी ना महसूस हो। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हम कोशिश करेंगे उसे इतना प्यार दें कि उसे रहने की कमी महसूस ना हो।